आप सभी ट्राई करना कुछ प्रेपरेशन करने की, आपने अपने नोटबुक में करनी है, और नोटबुक में करने के बाद उसकी पिक चैट में, चैट सेक्शन में सेंड करना पिक, ठीक है? आप आफ्टर राइटिंग द प्रेपरेशन और फॉलोइंग कंपाउंड्स, जो मैं कंपाउंड्स लिख रहा हूँ उनकी प्रेपरेशंस ट्राई करनी है। पहली है ये प्रिपेयर करना है अपने, जो मैं कंपाउंड्स लिख रहा हूँ आपने इनको प्रिपेयर करना है अपने नोटबुक में, और उसके बाद उसकी पिक सेंड करनी है ग्रुप में, सॉरी चैट में, चैट में, नॉट इन ग्रुप। चैट में सेंड करें इसके बाद इसकी पिक। आप सभी ये प्रेपरेशन करके नोटबुक में करना, प्रेपरेशन नोटबुक में उसकी पिक सेंड करना ग्रुप में, इसमें चैट सेक्शन में, ठीक है? ये आंसर आपने नोटबुक में लिखना और उस पिक खींच के चैट सेक्शन में ट्राई करना आप सभी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सभी करें। आप सभी ये प्रेपरेशन अपने चैट में कॉपी में करके चैट में सेंड करने की कोशिश करें आप सभी। पहली प्रेपरेशन आई होप आप कुछ ऐसी कर रहे होंगे, और आपको इनकी कॉम्पोजिशंस भी पता है कि कितने कौन एक्सेस में है। तो यू नो इन फर्स्ट टाइप ज़िनोन इज इन एक्सेस, तब बनता है ज़िनोन डाइफ्लोराइड। अगर हमें टेट्रा बनाना है तो ट्राई करें, शाबाश। आप क्या करने वाले हो उसके लिए, ज़िनोन को और फ्लोरिन को ऐड करोगे बनेगा वही, बट दे शुड बी द रेशो 1:5, यू नो कल हमने किया था। और ये सभी रिएक्शंस कौन सी कंडीशन होते हैं, दे अकर एट हाई टेम्परेचर, बोथ जितने भी रिएक्शंस हैं दे अकर एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। बाकी रिएक्शंस भी करके पिक सेंड करें शाबाश चैट में। आप सभी बच्चे ट्राई करें, यस। तो इसके बाद ज़िनोन और फ्लोरिन को अगर हम ऐड करते हैं इन द रेशो 1:20 सेम अंडर एट हाई टेम्परेचर, देन इट फॉर्म्स यस नवदीप को टू, बिल्कुल सही, ग्रेट। इट फॉर्म्स हेक्साफ्लोराइड, यस हेक्साफ्लोराइड। अब हमने एक ऑक्सीजन लेकर आनी है, तो करें शाबाश ट्राई, आप सभी बच्चे ट्राई करें। तो व्हाट विल यू डू, देखो रिएक्शन सही यही है सभी में, ज़िनोन प्लस फ्लोरिन, ज़िनोन प्लस फ्लोरिन, ज़िनोन प्लस फ्लोरिन, बस डिफरेंस है कंपोजिशन का। 1:1 अगर ज़िनोन इज एक्सेस में है तो XCF2 बनेगा, अगर फ्लोरिन के साथ उसका रेशो 1:5 है देन इट इज टेट्राफ्लोराइड, अगर 1:20 है तो
हेक्सा फ्लोराइड। अब हम इस हेक्सा वाले के अंदर वाटर ऐड करेंगे अलग अलग कॉम्पोजिशन, पहले 1 मोल, फिर 2 मोल, फिर 3 मोल। 1 मोल मीन्स 1 ऑक्सीजन विल एंटर। यस सिमरनजीत, नवदीप 2, नवदीप 3, कौर 3। यस बिल्कुल सही। अगर हम एक ऑक्सीजन, एक वोल्ट डालेंगे तो एक ऑक्सीजन आएगी, तो 2 फ्लोरिन जाएंगे। एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरिन को रिमूव कर सकती है, बिकॉज आपको पता है फ्लोरिन फॉर्म्स 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, तो एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरिन को रिमूव करेगी। अगर हम 2 वाटर डालते हैं तो इट विल रिमूव 4 फ्लोरिन, 2 ऑक्सीजन आएंगी, 2 फ्लोरिन निकलेंगे। और अगर हम उसमें डालते हैं 3, तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, सारे के सारे फ्लोरिन रिमूव हो जाएंगे। ये हमने कल किया था। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने ग्रुप 15 को स्टार्ट किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। अगर आप रिकनेक्ट कर पा रहे हो तो आपने कल ग्रुप 15 को स्टार्ट किया था, और आपने पढ़ा था कि जो ग्रुप 15 है उसके एलिमेंट्स आपने लिखे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ और सॉरी एंटीमनी और बिस्मिथ। पहले एंटीमनी फिर बिस्मिथ है। और कल हमने इनकी जनरल को, यस गगनप्रीत कौर 1 ठीक है, हरप्रीत कौर 3, यस गुड ग्रेट। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी NS2NP3, एस में 2 थे और पी में 1 था, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी चल रही थी। यस गुड। अब अगर हम बात करें, कल हमने इनकी बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने जनरली कुछ बातें देखी थी। कौन कौन सी बातें देखी थी आज उनको एक बार दोबारा से कंसिडर कर लेते हैं। पहला देखा था एटॉमिक साइज, फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज के बारे में हमने वो भी बोला था कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं, लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट डाउन द ग्रुप, तो व्हाट हैपेंस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, रीजन बीइंग एडिशन ऑफ न्यू शेल। ग्रुप अगर ग्रुप में नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, और इसका मतलब है कि नाइट्रोजन सबसे छोटा है, फॉस्फोर उससे बड़ा, आर्सेनिक उससे बड़ा, बिस्मिथ उस एंटीमनी से बड़ा और बिस्मिथ सबसे बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो डाउन द ग्रुप है, ये चीज आपने प्लस में पढ़ी हुई है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और रीजंस हमें पता होना चाहिए कि पीरियड में क्या होता है, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहे हैं, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कीप ऑन एडिंग, कीप ऑन एडिंग। यस रमनदीप मैं देख रहा हूँ, यस लक्ष्मी ग्रेट, यस स्नेहा गुड। तो जो बच्चे हैं देखो आंसर लिख के सेंड कर रहे हैं कॉपी में, मैं उनके देखो सबके नाम देख रहा हूँ। यस अवजोत कौर गुड। तो यहाँ तो एटॉमिक साइज में आपने क्या बोला कि यहाँ तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा सेम शेल में, मतलब आप यहाँ पे पीरियड में क्या लिख सकते हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द सेम शेल, कि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इस करके लगातार साइज पीरियड में डिक्रीज करता है। लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होता है, नया शेल ऐड हो जाता है, एडिशन ऑफ न्यू शेल। न्यू शेल का मतलब क्या है, पहले में अगर के शेल था फिर एल आ जाता है, फिर एम आ जाता है, फिर एन आ जाता है, फिर ओ आ जाता है, तो कीप ऑन एडिंग ऑफ न्यू शेल्स, कीप ऑन इंक्रीजिंग द साइज डाउन द ग्रुप। अब हमने एटॉमिक साइज पढ़ लिया है कि डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो सबसे छोटा नाइट्रोजन है, सबसे बड़ा बिस्मिथ है। अब इसी बेस पर हम 3 एनर्जीज का रिलेशन लेने वाले हैं। फर्स्ट आ रही है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, और आप सभी को आयोनाइजेशन एनर्जी और यू कैन से आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी और यू कैन से आयोनाइजेशन इंथैल्पी का आइडिया है कि क्या होती है, कि द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ न्यूट्रल गैशियस एटम। न्यूट्रल एटम लेते हैं, गैशियस लेते हैं, ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्या लगता है आपको, एटॉमिक साइज के साथ उसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली, मतलब अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन इंक्रीज होगी? यस यस। जिन बच्चों ने गुड, जिन बच्चों ने पिक सेंड करी है, मानसी, शिवप्रीत, अवजोत गुड, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जहां जहां साइज इंक्रीज होगा आयनाइजेशन डिक्रीज होगी,
और अगर साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन इंक्रीज होगा, तो आप कह सकते हो कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस केस में लगेगी, जो सबसे छोटा होगा मींस नाइट्रोजन, और सबसे ज्यादा कब, सबसे ज्यादा लगेगी नाइट्रोजन में, सबसे कम लगेगी बिस्मिथ में। यस, तो जिन्होंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, गुड। यस निम्रन, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट हमने एनर्जी पढ़नी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या पहले इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी लेते हैं इसको उल्टा, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, जिसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका दूसरा नाम है एफिनिटी। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या होती है? यस, एनीवन एनीवन यस, एनर्जी निकलती है, एनर्जी क्यों निकल रही है, बिकॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के अंदर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है और जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वापस एक दूसरे का कर रहे हैं रिपल्शन। तो उनके जो रिपल्शन होती है, दैट रिपल्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दैट रिपल्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। और आपको सोचो, साइज किसी एटम का बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी विल बी हायर और लोअर, हायर मीन्स मोर नेगेटिव, लोअर मीन्स लेस नेगेटिव। क्या लगता है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के साथ मोर नेगेटिव होगी या लेस नेगेटिव होगा? साइज इंक्रीज होगा, मोर नेगेटिव मीन्स हाई, लेस नेगेटिव मीन्स लो। एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी आपस में कैसे रिलेट लग रही है आपको, रिलेट की डायरेक्टली है तो या इनवर्सली है? आप कह सकते हो कि अगर साइज बड़ा होगा तो रिपल्शन कम होगी, और अगर रिपल्शन कम होगी तो एनर्जी भी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी मतलब लेस नेगेटिव। तो ये भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना एटम छोटा होता है उतनी इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी हायर होती है, हायर मींस मोर रिपल्शन मींस मोर नेगेटिव, बट अगर एटम विल बी लार्ज इट विल बी लेस मींस लेस नेगेटिव लेस रिपल्शन। तो ये मेरा कहने का मतलब था, आई होप ये चीज आप सबको क्लियर हो गई होगी जो मैं आपसे कहना चाह रहा, ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आती है, इसमें लास्ट आती है, दैट इज, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी आपने बहुत बार पढ़ी हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड एटम्स, जब दो एटम्स बॉन्डेड होते हैं तो एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उस अट्रैक्ट करने की इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आप खुद सोचो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कब होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स ये बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर पुल है जिससे ये काम करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली न्यूक्लियस के द्वारा ही होगी। तो इसका एटॉमिक साइज के साथ क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली इनवर्सली, एटम बड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई या लो, मतलब कैसे लग रहा है, डायरेक्टली इनवर्सली? आपको सोचो एक बार, एटम का साइज छोटा होगा तो इनवर्सली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। हाँ सही गल है, सही गल है, जितना एटम छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी हायर, मीन्स ये भी इनवर्सली। तो तीनों एनर्जी जो हमने आज पढ़ी फिजिकल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन थैरेपी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीनों एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमने एक बार से इनको देख लिया, फैक्टर एक बार इनको स्टडी कर लिया, बिल्कुल सही, जितना एटम साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। वैसे वैसे जनरली पूछ रहा हूँ, विच एलिमेंट या विच एटम हैज, हुज एटम हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईदर एटम दी फ्लोरीन, फ्लोरीन, इट्स फ्लोरीन, नहीं अच्छा अगर हम, अच्छा ठीक है, जो बच्चे नाइट्रोजन बोल रहे हैं तो मैं बता दूं वो ग्रुप 15 के कंसीडर करके बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप 15। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 15 की बात करेंगे फिर तो जिन्होंने नाइट्रोजन बोला बिल्कुल सही बोला है, अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल ओवरऑल, तो आप फ्लोरिन बोलोगे, ओवरऑल बात करें तो फ्लोरिन बोलोगे, अगर हम सिर्फ ग्रुप 15 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है, ठीक है। अब हमने लेनी है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा वो नहीं है, सिंपल सा है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं एक लास्ट पूछूं, मेटेलिक करेक्टर, हालांकि मैंने बताया था, आपको क्या लगता है मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप, प्लीज कमेंट में इंक्रीज डाउन द ग्रुप, वैसे मेटल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इंक्रीज इंक्रीज आएगा, आई होप आप सभी इंक्रीज सोच रहे होंगे, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वैसे दिख रहा है पहले नॉन मेटल्स आ रही हैं, फिर मेटल आ रहा है, फिर मेटल्स आ रही हैं। वैसे भी आपको पता था कि पीरियड नंबर में जो भी पीरियड होगा उसमें वन ऐड कर दो, अगर वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आ रहा है तो वो नॉन मेटल होती है, अगर जो भी उसका पीरियड नंबर है उसमें वन ऐड करके इक्वल टू एन आता है तो वो मेटलॉइड होता है,
अगर पीरियड प्लस वन मोर देन एन हो जाए तो वो मेटल होता है, तो दिस इज फॉर मेटल। और नीचे वाले ऐसे ही हैं जिनके अंदर पीरियड नंबर वन ऐड कर दें तो वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आई होप, वैसे आप सिंपल से याद रख सकते हो कि नॉन मेटल हमेशा ऊपर लाई करती हैं, मेटल मेटलॉइड बीच लाई करती है और मेटल्स नीचे लाई करते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होगा, डेंसिटी लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़नी है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये ग्रुप हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा? ग्रुप 15, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 15, विल ग्रुप 15 रिएक्ट विद हाइड्रोजन? क्या ग्रुप 15 यस सर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा? आपको सबको लग रहा है यस। कोई कंपाउंड पता है आपको ग्रुप 15 के एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ? NH3। ग्रेट ग्रेट NH3 एंड दैट इज अमोनिया। अच्छा कोई बता सकता है सर इसको अमोनिया कहते हैं? PS3 को क्या कहते हैं? कोई एनी आइडिया? यस शाबाश। इफ NH3 इज अमोनिया, क्वेश्चन इज दैट NH3 इज कॉल्ड अमोनिया, then PS3 is called what? Phonomia? अगर NH3 अमोनिया कहलाता है, हाँ की कहते फिर उन्होंने की कहते हैं, की आख दें आप PS3 नू की आख दें? अगर मेरा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं फोस्फीन, मतलब जैसे अमोनिया है वो पनोमिया नहीं है, फोस्फीन होगा, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ मैं, वैसे ही इसको फोस्फीन कहते हैं। यस गुड रमनदीप एंड कुलविंदर, गुड फोस्फीन। यस दिस इज फोस्फीन। चलो कोई नहीं, इसके बाद आर्सेनिक आ रहा है एंड देन एंटीमनी, फिर बिस्मिथ। अब आपसे मेरा सिंपल सा, हम कुछ ऑर्डर बनाएंगे, आप सभी ने वो ऑर्डर ट्राई करना है और बताना है कि क्या आंसर होगा। पहला ऑर्डर है स्ट्रेंथ का। क्या लगता है आपको, जो इनकी बॉन्ड की मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो डाउन द ग्रुप, जैसे हम नाइट्रोजन से नीचे आएंगे वो बॉन्ड की जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मतलब बॉन्ड तोड़ना इजी हो जाएगा? ओके लेट्स सी, सबका डिक्रीज आंसर है कि हाँ जी, सबके सबको लग रहा है कि बॉन्ड डाउन द ग्रुप जाते थे वीक हो जाएगा। कोई एक ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है नहीं, डाउन द ग्रुप बॉन्ड इंक्रीज हो सकता है क्योंकि मेटल्स आ रही है? कोई ऐसा बच्चा जिसका दिल कहता है? कोई नहीं ऐसा बच्चा, ओके तो बिल्कुल सही आंसर है, ये डिक्रीज करेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। ऑब्वियसली बात, जितने एटम छोटे होते हैं उनका बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अच्छा नेक्स्ट, बॉन्ड स्ट्रेंथ को ना एक फॉर वर्ड बोल रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स ज्यादा से ज्यादा आप टेम्परेचर को टॉलरेट करना, ये वही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ही है तो ये भी डिक्रीज ही होगी, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब यही होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सकता है। सबका आंसर बिल्कुल सही है। सुमनप्रीत, मनप्रीत, यस, जो ग्रुप जो लिख रहे हैं कमेंट में, अवजोत, ग्रेट, कुलविंदर। नेक्स्ट आ रहा है बॉन्ड एंगल। मेरा नेक्स्ट आ रहा है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन टू एटम्स विच इज बॉन्डेड टू सेम सेंट्रल एटम। मतलब अगर नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, उन दो हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होगा ना, दो हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होगा, उस एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या लगता है आपको, बॉन्ड एंगल एटम्स के साइज के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? मतलब अगर डाउन द ग्रुप बताना है, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? ये थोड़ा सा खट्टा मीठा होगा, कोई डिक्रीज कर रहा है, कोई इंक्रीज कर रहा है। ओके बॉन्ड एंगल, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं जिनको नहीं समझ आ रहा है या जिन्होंने नहीं सुना ध्यान से, कि व्हाट इज द वेरिएशन इन द बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। देखो जो बॉन्डेड एटम है हाइड्रोजन, वो तो सेम है हाइड्रोजन जो बॉन्ड करेगा, लेकिन बॉन्ड करेगा किसे? सेंट्रल एटम से। सेंट्रल एटम कौन है? पहले नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मिथ। तो क्या लगता है, बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? तो ये जो मैं ऑर्डर आपको लिखवा रहा हूँ ना, याद रखना ये ऑर्डर आपको हर एक ग्रुप में ऐसे ही मिलेगा, चाहे वो ग्रुप 15 हो या 16 हो या 17 हो, वट एवर। सो आप अगर एक किसी एक ग्रुप का अच्छे से याद कर लोगे, इट विल हेल्प यू इन फर्दर ग्रुप्स ऑल्सो। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो इसका फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ, इट विल डिक्रीज। याद रखना, जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, क्योंकि रिपल्शन कम होने लग जाती है, तो वो पास पास आ सकते हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि साइज बड़ा था तो दूर दूर जाना चाहिए, उनको मैं बता दूं,
कि जैसे जैसे एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस देयर इज डिक्रीज इन द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स एंड दे कैन कम क्लोज टुगेदर सो डिक्रीज. तो फाइनल आंसर डिक्रीज था जिन्होंने इंक्रीज लिखा था. प्लीज दे करेक्ट देयर कंसेप्ट इन देयर माइंड. अपने माइंड से क्लियर लो कि हमेशा ये डिक्रीज करता है. ठीक है, अपना आंसर डिलीट करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं. ठीक है, लेकिन आपने बस याद रखना ये डिक्रीज करेगा, इट विल डिक्रीज. ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है मेरा. नेक्स्ट है वेरिएशन में, दैट इज सोलिबिलिटी. क्या लगता है, अमोनिया से नीचे जाते हुए ये पानी में घुलना, ज्यादा घुलेंगे कम घुलेंगे, मतलब डिक्रीज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, सोलिबिलिटी इन वॉटर. जस्ट ट्राई गिव योर ओपिनियन, वट विल बी द वेरिएशन इन द सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप ऑफ दीज हाइड्राइड्स. देखो आंसर सभी बच्चे करें, जितने क्लास में प्रेजेंट है मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सभी आंसर करें. सही दोगे याद रहेगा, गलत दोगे तो ज्यादा याद रहेगा कि मैंने ये आंसर गलत दिया था. तो सभी से भी रिक्वेस्ट है, जो आंसर नहीं दे रहे वो भी देखे देखे. इंक्रीज ओके, तो सोलिबिलिटी में ना एक फैक्टर है, आपने शायद फैक्टर पढ़ा होगा, दैट इज फैक्टर पढ़ा होगा आपने, एक हाइड्रेशन एनर्जी और एक लैटिस एनर्जी. और आपने हाइड्रेशन ये पढ़ा था, एनर्जी इज रिलीज व्हेन एन कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर. जब कोई कंपाउंड वाटर में डिजोल्व करता है तो जो एनर्जी निकलती है वो हाइड्रेशन एनर्जी है. और जितना छोटा कंपाउंड होता है उतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है, उतनी ज्यादा निकलती है एनर्जी. इंक्रीज के आंसर ज्यादा हैं, डिक्रीज के कम हैं. तो जिन्होंने आंसर डिक्रीज दिया है वो बिल्कुल सही दे रहे हैं. क्योंकि क्यों दे रहे हैं डिक्रीज का आंसर सही है, क्योंकि जितना एटम बड़ा होता है उनके डिसॉल्व होने पे जो एनर्जी निकलती है हाइड्रेशन एनर्जी, वो कम निकलती है. तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी. याद रखना आपने एक एनर्जी का नाम सुना है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी. The energy is released when a compound dissolve in water, that is called hydration energy. और वो energy जितना atom छोटा होगा उतनी ज्यादा निकलती है. तो आप ना on the basis of bond सोच रहे हो, सकते हो सकता है आप bond के basis सोच रहे होंगे कि बड़ा atom होगा तो bond जल्दी टूट जाएगा. But आप on the basis of hydration energy का answer सोचोगे तो आप automatically decrease बोलोगे. Hydration energy का मतलब क्या है, The energy is released when a compound dissolves in water and ये atomic size के inversely है. जिसका atomic size छोटा होगा उसकी hydration energy ज्यादा निकलती है. ठीक है, और last है ये, जरा ध्यान से करना. last है basic character. basic character का मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनना. basic character का मतलब यह है कि donation of electron या जो electron lone pair है, नोट इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है. और आपको दिख भी रहा है कि सभी ये पिरामिडल हैं, ये सभी के सभी पिरामिडल हैं. ये एक सेंट्रल एटम है, तीन हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है. और ये लोन पेयर ही तो देना है, जिसने ये लोन पेयर दे दिया वो बेसिक होगा. तो क्या लगता है सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, मतलब डाउन द ग्रुप बेसिक विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज. ओके, क्योंकि आपको लग रहा है कि डाउन द ग्रुप में तो साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होता है. तो सबको लग रहा होगा इंक्रीज कि सबसे जल्दी निकलेगा बिस्मिथ का, क्योंकि सबसे नीचे है. ओके, बट एक बच्चे ने बोला डिक्रीज, वैभव डिक्रीज बोल रहा है, ग्रेट वैभव. वैभव सुमनप्रीत डिक्रीज बोल रही है. ओके, एंड अगर हम बात करें नवदीप कौर इंक्रीज बोल रही है, नवदीप कौर 3 डिक्रीज. बाकी ट्राई कर, देखो जो आपका मन कहता है कि whether it will increase or decrease, just give your opinion. It doesn't matter कि you are giving right answer or wrong answer, just try to give. जितने ज्यादा आप आंसर लिखोगे यकीन मानना आप उतना अच्छा सीख के जाओगे क्लास से. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इंक्रीज बोलना इंक्रीज बोलो, डिक्रीज बोलना डिक्रीज बोलो, एक आंसर तो है, चेंज तो होगा. तो देखो जिनको इंक्रीज लग रहा है उनका इंक्रीज सोचना बनता है.
जो इंक्रीज कह रही है उनका इंक्रीज कहना सोचना बनता है, मैं भी सोच रहा होता, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ जो बच्चे डिक्रीज बोल रहे हैं वो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि डिक्रीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर डिक्रीज है, मैं बता देता हूँ इसका आंसर डिक्रीज है। तो जिन बच्चों ने डिक्रीज लिखा है, जतिंदर, हरप्रीत, शिवरीत, जिसने भी लिखा है, सबने लिखा है, बहुत सोने, कैन दे एक्सप्लेन वैभव थ्रू योर स्पीकर कि वाई देर इज डिक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीज, जो हमारे माइंड में चल रहा था, साढ़े माइंड में चल रहा था इंक्रीज होगा बट डिक्रीज हो गया। एनी वन, जिहड़े बच्चे डिक्रीज लिख रहे हैं, कैन दे एक्सप्लेन, जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि वाई इट इज सो, ऐसा क्यों होया। जो इंक्रीज सोच रहे थे उनका इंक्रीज सोचना बनता था क्योंकि इसका आंसर इंक्रीज लग रहा था, लेकिन इसका आंसर डिक्रीज ही है। बट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिक्रीज अनएक्सपेक्टेड। तो जिन बच्चों ने डिक्रीज लिखा, क्या कोई एक बच्चा हिम्मत दिखाना चाहेगा, प्लीज जस्ट ट्राई, क्या पता आपकी हिम्मत आपको सही आंसर दिलवा दे। यस लक्ष्मी, जतिंदर, एनी वन, यशप्रीत, कौशल, बट थ्रू योर स्पीकर, आप अपना एक्सप्लेनेशन प्लीज स्पीकर से देना क्योंकि चैट से शायद आप ना दे पाओ। नहीं वो तो ठीक है सुमनप्रीत, लुइस बेस तो सारे ही हैं, ये सब लुइस बेस हैं, सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे लेकिन सभी लुइस बेस है, लेकिन लुइस बेस तो सबसे ज्यादा नीचे वाला होना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग लुइस बेस सबसे ऊपर वाला बन गया जो सबसे छोटा है, और सबसे छोटे में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है। तो ये आंसर लुइस बेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कोई और आंसर है इसका, कोई बच्चा और बताना चाहे तो बता सकता है, प्लीज जस्ट ट्राई, कोशिश करो, आप कोशिश करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो आपने लिखा ना डिक्रीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज अनएक्सपेक्टेड होती है ना क्वेश्चन वहीं से बनता है, जो सोचा था उससे अपोजिट आंसर आया। यस यस सिमरनजीत सिंह, यस दसो दसो सर, जिहड़े मैटर करो दसन दी, सर जिहड़े मैटर दे नाल हाइड्रोक्साइड ला दिया ते ओ बेसिक करैक्टर दा बंदा है, डाउन दा ग्रुप जिहड़ा वा मैटर करैक्टर इंक्रीज हुंदे से करके ई सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हुंदी पई है। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ये पता सबको पता है, तभी ये बेसिक है, तभी ये बेसिक है, लेकिन डाउन द ग्रुप तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होने से तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो अगर टेंडेंसी बढ़ती है तो फिर बेसिक करेक्टर बनना चाहिए था लेकिन डिक्रीज हो रहा है। यस निमरन, यू वांट टू से समथिंग, निमरन कोर 1080 सर, जब हम डाउन कोई बच्चा बताना चाहता है कुछ तो फिर हम सर जब हम जाते हैं कोशिश करेंगे। मान लो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये फॉस्फोरस का है, ये आर्सेनिक का है, ये बिस्मिथ का है, सॉरी एंटीमनी, अब बिस्मिथ बना रहा हूं। आप कहोगे कि सारे पिरामिडल तो हैं, ये सब पिरामिडल हैं, अगर आप इन सबको देखोगे, आई होप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैं पिरामिडल शेप बना रहा हूँ सभी, लेकिन अगर आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन दो दो हैं, सभी के पास लोन पेयर दो दो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन सबके पास दो दो ही हैं, लेकिन जो उसका एरिया है ना, एरिया स्प्रेडिंग, जो उनका एरिया फैला हुआ, वो उसके बेस पे आंसर आएगा किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो ओके, सभी के पास इलेक्ट्रॉन दो ही है, सभी के पास इलेक्ट्रॉन दो है, यस लोन पेयर है सबके पास, ड्यू टू डिक्रीज अवेलेबिलिटी, यस हरप्रीत कौर 3 जो आपने आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, वैभव इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस हो जाती है डाउन द ग्रुप, ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से तो अच्छा है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, फिर तो नाइट्रोजन बिल्कुल ही बेसिक नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन लेने में हेल्प करती है, देने में नहीं, और हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन देना है, तो यहाँ पे आंसर है ऑन द बेसिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे सभी के पास है तो एक एक लोन पेयर, एक एक लोन पेयर, लेकिन सेंट्रल एटम का साइज लगातार इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, एंड देयर इज अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयर इज अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ना वो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है, एक बच्चे ने हरप्रीत कौर 3 ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी है वो भी डिक्रीज कर रही है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल होने थे वो इलेक्ट्रॉन सब कम अवेलेबल होंगे, क्यों, यहाँ पे साइज इलेक्ट्रॉन दो ही है लेकिन बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं, बिस्मिथ के, एंटीमनी के बहुत बड़े एरिया में फैले, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी होती है कि जब भी डोनेट करने हैं
वो अवेलेबिलिटी इस केस में और इस केस में इजिली नहीं हो पाएगी, लेकिन नाइट्रोजन क्या है बहुत ही ज्यादा कन्फाइंड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इस करके ये इजिली डोनेट हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, आप ये वर्ड लिखोगे डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इन डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन बेसिक करेक्टर, यही फैक्टर है जिसकी वजह से बेसिक करेक्टर जो एक्सपेक्टेड था इंक्रीज वो हो गया डिक्रीज। प्लीज ये सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएशन है जितने आज आपने पढ़े हैं ना, स्टेबिलिटी सोलिबिलिटी बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ थर्मल स्टेबिलिटी, उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक फैक्टर आता है रिड्यूसिंग करेक्टर, और लास्ट है आज ये इस वेरिएशन का लास्ट फैक्टर है, दैट इज रिड्यूसिंग करेक्टर। और जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है वो आप सिंपल याद रख लो, रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब ही होता है कि ब्रेक हो जाना, और ये हमेशा ऑलवेज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। इंक्रीज इन डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज होता है रिड्यूसिंग करेक्टर कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेकेज से रिलेटेड है, बॉन्ड ब्रेकिंग से रिलेटेड है, और रिड्यूसिंग करेक्टर और बेसिक करेक्टर एक दूसरे के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपने एक रिलेशन पढ़ा एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन एन्थैल्पी का, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वैसे ही रिड्यूसिंग करेक्टर और बेसिक करेक्टर का भी एक रिलेशन है कि वो हमेशा दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब होता है ब्रेक होना, और ब्रेक होने का मतलब क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब रिड्यूसिंग करेक्टर किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और आपको पता ही है कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगानी पड़ती है, तोड़ना आसान रहता है, तो रिड्यूसिंग करेक्टर भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है, इन्वर्सली है। ये इन्वर्सली है, ठीक है, कि रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी उसका रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आई होप ये चीज आप प्लीज माइंड में रखेंगे। हाइड्राइड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्राइड्स, अगर मैं आपसे शेप पूछूं, शेप वो आपको पता है सभी की शेप कैसी है, चाहे वो NH3 हो चाहे वो PS3 हो, कोई भी हो, सभी की शेप एक जैसी है। क्या नाम है शेप का, याद है किसी को शेप का नाम क्या होता है अमोनिया की? पिरामिडल। yes, पिरामिडल। और आपको सिखा रखी है पिछले 4-5 दिन से हम यही कर रहे थे कि यस पिरामिडल वेब ऑफ ग्रेट पिरामिडल, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज पिरामिडल, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, यस मानसी ग्रेट पिरामिडल एंड ट्राई टू गिव इट्स हाइब्रिडाइजेशन एनीवन, पिरामिडल, यस कुलविंदर बिल्कुल सही, सिमरनजीत, SP3 बिल्कुल सही, क्योंकि आप क्या काउंट करोगे, सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 4 वाली होती है, और 4 वाली कौन सी होती है, SP3। पर किसी बच्चे को पता है, वैसे मैंने एक बच्चे ने बताया भी था कि SP3 के लिए बॉन्ड एंगल कितना असाइंड है, वैसे जब भी SP3 बनती है हमेशा बॉन्ड एंगल कितना होता है, SP3 में बॉन्ड एंगल कितना, नहीं SP3 में होता है 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट, आप दोनों में कोई भी याद कर सकते हो, ये होता तब है जब कोई लोन पेयर ना हो, 109.5 बोल दो या 109 डिग्री 28 मिनट बोल दो, ठीक है सिमरनजीत बिल्कुल सही, लेकिन इसका एंगल कोई बच्चा बता सकता है कितना होगा, वैसे थोड़ा सा बस इतना बता दो, जो नॉर्मल एंगल होता है बिना लोन पेयर से उससे ज्यादा होगा या कम होगा, इंक्रीज होगा उससे या डिक्रीज होगा, इतना बता दो कमेंट सेशन में कितना होगा, आई विल टेल यू, बस आप इतना बता दो कि अमोनिया का जो एंगल है जो SP3 के लिए बना हुआ एंगल है विदाउट लोन पेयर उससे ज्यादा होगा तो इंक्रीज बोल दो कमेंट में, अगर उससे कम होगा तो डिक्रीज बोल दो कमेंट में,
सर इंक्रीज। ओके देखो सारे बच्चे का मेरा क्वेश्चन समझ गए ना, SP3 के अंदर जो एंगल फिक्स है वो है 109.5, लेकिन कब, जब कोई लोन पेयर नहीं होता, चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते हैं, मतलब चारों के तो सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो मेरा क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल एंगल है 109.5 उससे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो देखो आंसर सही बच्चे करे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू, सब पूछ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सभी का ओपिनियन इंपॉर्टेंट है और सभी एक सुर में इंक्रीज बोल रहे हैं, तो देखो जो नहीं बोल रहे प्लीज वो भी कोशिश करें आंसर देने की। मैं इसलिए सबसे बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक जितनों ने आंसर दिया है उन सबका गलत था, सिर्फ एक रमनदीप का आंसर बिल्कुल ठीक आया है। जब भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, ये याद रखना, जब भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। 96.3 इसका आंसर नहीं है भावेश, इसका आंसर है 107। तो 109 से ये 107 पर आ जाता है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये SP3 था पर एक लोन पेयर था, जो वाटर है ना वो भी SP3 है पर उसमें दो लोन पेयर है और वो वी शेप या फिर बेंड शेप। अब मेरा क्वेश्चन है क्या वाटर का एंगल अमोनिया से भी कम हो जाएगा या उससे ज्यादा होगा, मतलब अगर हम SP3 की बात करें वो तो 109 था, अमोनिया 107 है, तो क्या लगता है वाटर फर्दर डिक्रीज करेगा या अमोनिया से इंक्रीज करेगा, क्या लगता है वाटर? यस नवदीप, ठीक आंसर लिखा था। जो बच्चे गलत आंसर देते हैं बाद में उनको चैट आंसर मैसेज डिलीट करने की जरूरत नहीं होती, वो डिक्रीज करेगा यस, क्योंकि वहां पे दो लोन पेयर है, वो लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो वो और डिक्रीज करेगा, याद रखना SP3 109 से 107 और ये 104 पे आ जाता है, 104, तो जितने ज्यादा लोन पेयर होते हैं बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा डिक्रीज करता है। तो अपने बॉन्ड एंगल के बारे में दो बातें आज सीख ली, एक तो ये कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, दूसरा जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज होंगे बॉन्ड एंगल का साइज भी डिक्रीज होगा। आपकी क्लास बार बार कट हो रही है, इससे यहाँ से तो आज इंटरनेट ठीक लग रहा है, मेरी तरफ से इंटरनेट आज लग रहा है ठीक है, आप अपना चेक करो एक बार, यहाँ से तो सब ओके चल रहा है। तो दो बातें सीख ली बॉन्ड एंगल के बारे में, एक तो ये कि एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, सेकंड थिंग एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीजेस। तो बॉन्ड एंगल के बारे में ये दो बातें आप जरूर अच्छे से माइंड में रखना, ठीक है, कि बॉन्ड एंगल कब कब डिक्रीज करता है, तो ये दो बातों को आपने याद रखना है। कल हमने मैं दोनों बताता हूँ, मैं दोनों रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तो आपने इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखनी है कि बॉन्ड एंगल क्या है। बॉन्ड एंगल का मतलब होता है द एंगल, बॉन्ड एंगल मीन्स द एंगल बिटवीन टू एटम्स विच आर बॉन्डेड टू सेम सेंट्रल एटम। अगर हम NH3 की बात करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो किसका किससे होगा, H का H के बीच में, बिकॉज बोथ H आर कंबाइंड टू विद सेम सेंट्रल एटम दैट इज नाइट्रोजन। तो जब दो एटम एक ही सेंट्रल एटम जुड़ते हैं तो उनके बीच जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल डिक्रीज कब करता है, जब सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करे, सेंट्रल एटम का, जैसे नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस आ गया साइज बढ़ गया, फॉस्फोरस की जगह आर्सेनिक आ गया साइज और बढ़ गया, तो इससे भी क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। सेकेंड नंबर ऑफ लोन पेयर, जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस विद नंबर ऑफ लोन पेयर एंड विद साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहां तक हमने पढ़ा है, कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ना है प्रेपरेशन,